टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज मेनिनजाइटिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल एवरी अल्टरनेट ईयर इट कीप्स ऑन कमिंग इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड फॉर नीट एमडीएस आल्सो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फर्स्ट वील टॉक अबाउट बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। ओके, तो बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है, फिर फंगल मेनिनजाइटिस होता है। सो फर्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। सो बैक्टीरियल में भी आपका डिफाइंड क्लासिफिकेशन है, लाइक बच्चों में भी दैट इज नियोनेट्स। ओके, तो इन नियोनेट्स इट इज कॉज्ड बाय ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, एंड ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस कहाँ से आता है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के नाम देने के बदले इट दे कैन ऑल्सो गिव स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। ओके, सो दिस इज द अदर नेम ऑफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ओके, सो स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्टी। ओके, सो दिस इज इन नियोनेट्स। ओके, इन इंडिया इट इज क्लेप्सेला। आपको क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस इन इंडिया? इट इज क्लेप्सेला। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इकोलाई क्यों है? क्योंकि पहले कुछ सालों पहले, इट्स नॉट लॉन्ग बैक, इट वॉज इकोलाई। ओके, आपको एमसीक्यू बुक में भी कभी कभी मिल सकता है, इन द ओल्ड एमसीक्यू बुक दैट इट इज इकोलाई, बट नाउ इट इज क्लेप्सेला। ओके, नो मोर इकोलाई। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड सम रेयर ऑर्गेनिज्म लाइक लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। वाई इट इज गिवेन लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस? क्योंकि दिस लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन इज नॉट रेस्पॉन्सिव टू थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन। सो दिस क्वेश्चन कम्स, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन इज वन ऑफ द रेयर causes of your what they say meningitis. Okay, rare cause. Okay, and it is not responsive to third generation cephalosporin. इसमें हम क्या देते हैं? We give ampicillin. Okay, we give ampicillin in case of listeria monocytogenes. Okay, now in children हमने बात किया, neonate बात किया, फिर इंडियंस बात किया। ओके, नाउ आफ्टर नियोनेट्स व्हाट इज द स्टेज? इट इज चिल्ड्रेन। ओके, सो इन चिल्ड्रेन इट इज न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस इज ग्रेटर देन एच इन्फ्लुएंजा। व्हाई? अभी एच इन्फ्लुएंजा नहीं है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज्ड आपका क्या होता है, वैक्सीनेशन, ड्यू टू इंक्रीज वैक्सीनेशन दिस मेनिनजाइटिस कॉज बाय एच इन्फ्लुएंजा इज वेरी वेरी रेयर, एंड इट हैज नाउ न्यूमोकोकस हैज बिकम द leading cause of bacterial meningitis in case of children. Okay, so post meningitis deafness hota hai, post meningitis deafness, so that is caused by H influenza. Even my younger brother happened to have meningitis when he was small, like not neonate, maybe he was, yeah, I can say, I don't exactly remember, but he was having those symptoms na, so the doctor said that he was having meningitis. He had this habit of banging head on the wall. These things are symptoms of meningitis. Okay, the bacterial meningitis. So I think he was 1 year or 2 year old then. So post meningitis deafness ke karan, I don't know due to meningitis or what, but the doctor at that time only told that he might have some problem in his ear, in his later year. So now he have some problem, like difficulty in hearing. Not much, but some problem is there. Okay, so post meningitis deafness hota hai, that is occurring due to H influenza. Okay, so gliosis along course of eight nerve sensory neural deafness bhi hota hai. Okay, so in adult, okay, in adult case kya hota hai? In adult again it is pneumococcus. Okay, humne padha tha in children it is pneumococcus. Again in adult it is pneumococcus. Okay, pneumococcus is greater than N meningitis. Okay, तो ये N meningitis क्या करता है? Sporadic meningitis. Okay, या epidemics of meningitis. या सुन रहे हो, hostel में सारे के सारे बच्चों को hostel has to be vacated क्योंकि वहाँ पे एक epidemic हो गया है of meningitis. Okay, what is the reason? Generally it is pneumococcus या फिर Neisseria meningitis. Okay, so Neisseria meningitis occurs due to droplets, and doctor and healthcare worker are very much susceptible to meningitis by N meningitis. क्यों होता है?
Suppose the doctor and the healthcare worker are taking care of a patient who is suffering from meningitis, okay? So from the droplets, they are prone to get the infection. So usme kya hota hai, in meningitis droplet ke karan unko meningitis ho sakta hai. The doctors or the healthcare worker may have meningitis, they may have sepsis, and ye DIC ka full form hai, disseminated intravascular coagulation. We will study in our hematology classes, okay? Hematology mein padhenge. Phir adrenal hemorrhage hota hai, Addisonian crisis, okay? Also called Waterhouse prediction syndrome, okay? So Addisonian crisis. Please remember this. This will be studying in our endocrinology, okay? Addisonian crisis, okay? Aur iska alag naam hai Waterhouse. Neat aspirants, please remember this. आप ओरल पैथोलॉजी में भी ये पढ़ोगे, आप देखना ये है आपका ओरल पैथोलॉजी सिनोप्सिस पे. मैनिफेस्टेशन इज सो लिथल दैट द डॉक्टर कैन डाई विद इन 24 टू 48 आवर्स. दैट मीन्स दिस नेसीरिया मेनिंजाइटिस इज वेरी सीवियर. ओके, तो हाउ डू वी प्रिवेंट? अभी तो हमने बता दिया कि ये दिस आर द प्रॉब्लम्स, दिस आर द प्रॉब्लम्स, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, बट हाउ वी विल ट्रीट, हाउ वी विल प्रोटेक्ट आवर सेल्फ? तो सर्जिकल मास्क से होगा क्या? सर्जिकल मास्क, एक्चुअली देखो, रूटीन सर्जिकल मास्क जो हम यूज करते हैं ना, रूटीन सर्जिकल मास्क, दैट ओनली प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द डॉक्टर, नॉट द डॉक्टर फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट फ्रॉम द डॉक्टर. ओके, सो आप जो डॉक्टर हो, आपसे कोई इन्फेक्शन उसको नहीं होगा, बट इट्स नॉट वर्किंग वाइस वर्सा. द आपका पेशेंट से आपको इन्फेक्शन आ सकता है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी शुड यूज आइदर N99 और N95 मास्क, व्हिच इज इन वेरी शॉर्ट सप्लाई इन इंडिया. और यहाँ पे लाइक द हेल्थ केयर कंडीशन, यू नो ओनली ऑफ इंडिया, सो लाइक दे कैन नॉट एफोर्ड कि N99 या N95 मास्क इज गिवन टू ऑल द डॉक्टर्स. इट इज सो एक्सपेंसिव. So we generally use surgical mask, but surgical mask is not so protective, okay? It protects the patient from the doctor, but the doctor is not protected from the patient. Please know this. So N95 or N99 mein, iska 99 ya 95 ka meaning kya hota hai? N95 means filters 95% of the particles, okay? So N95. So next best way kya hai? Ideally to vaccination karna chahiye. We should do vaccination, but if someone is not vaccinated, now you are not vaccinated, I am not vaccinated, I don't know actually I am vaccinated or not to meningitis. So what is the next best treatment? We should do chemoprophylaxis. Okay, chemoprophylaxis ke bare mein humne cephalosporin mein padha tha of meningitis. So kya denge hum? Ceftriaxone. Ceftriaxone most effective drug in Neisseria meningitis. Okay, healthcare worker mein hum ceftriaxone dete hai. Theek hai. A family contact mein ho gaya. Socho जो पेशेंट है उसका केयर कर रहा है, उसके वाइफ या हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ वर्क, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो द इफ इट इज लाइक दैट, देन इफ इन केस ऑफ फैमिली कॉन्टेक्ट वी विल बी गिविंग सिफ्रोफ्लक्सेसिन एंड व्हिच इज अ फ्लोरोक्विनोलोन. बट अभी अभी सोचो, जो टेक समवन हु इज टेकिंग केयर, शी इज प्रेग्नेंट, व्हाट यू विल डू? विल यू गिव फ्लोरोक्विनोलोन? वी डोंट गिव फ्लोरोक्विनोलोन इन द प्रेग्नेंट. ओके, so what we'll give, we'll give ceftriaxone, which is safe in pregnancy. What are the drugs, what are the class of groups of drugs which are safe in pregnancy? Can anyone tell me? PCM. PCM. P for paracetamol. Penicillin. Here C for cephalosporin. M for macrolides. Okay, so hum kya karenge? Ceftriaxone in pregnancy. We'll give ceftriaxone in pregnancy. Okay, now we will talk about fungal. I will prefer to talk about viral meningitis first, and then we can talk about fungal meningitis. So viral meningitis mein kya hai? The most common cause of sporadic viral encephalitis is HSV-1 globally. Okay, so sporadic ka matlab kya hai? Occurring at irregular intervals or only in few places. Okay, in few places. What is sporadic viral encephalitis? Iska karan kya hai? HSV-1. To ek hota hai HSV-1
एक होता है HSV2, तो HSV1 सोचो ये एक आदमी है, दिस इज द पर्सन। तो HSV1 होता है अबव द वेस्ट, ओके। HSV2 होता है बिलो द वेस्ट, तो जनरली सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण HSV2 इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो HSV1 इज जनरली अबव द वेस्ट। तो एनसेफेलाइटिस, व्हाट इज एनसेफेलाइटिस? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ओके। एनसेफेलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पोराडिक वायरल एनसेफेलाइटिस इज HSV1, ओके। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पोराडिक वायरल एनसेफेलाइटिस अभी हमने पढ़ा HSV1। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिडेमिक वायरल एनसेफेलाइटिस अभी हो गया एपिडेमिक, स्पोराडिक हमने पढ़ लिया, अभी एपिडेमिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिडेमिक? एन एपिडेमिक इज द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए गिवन पॉपुलेशन विद ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर क्या होता है, स्प्रेड होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल में स्प्रेड होता है इन ए गिवन पॉपुलेशन विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो एपिडेमिक एपिडेमिक वायरल एनसेफेलाइटिस किसके कारण होता है? इट इज आरबो वायरस, ओके। आरबो वायरस वी विल बी, आई थिंक आई हैव डन सम वीडियोस ऑन आरबो वायरस यूट्यूब, प्लीज चेक द वीडियोस, ओके। माइक्रोबायोलॉजी वी वोंट बी हैविंग मच क्लासेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लासेस आई हैव गिवन इन यूट्यूब ओनली, और जो जो सारा क्लासेस नहीं हुआ है दैट डेफिनेटली वी विल बी डूइंग हियर, ओके। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव डन ओनली, बट स्टिल मेनी थिंग्स आर लेफ्ट, सो आई विल ट्राई टू डू इन आवर क्लासेस हियर, बट प्लीज डू चेक आवर यूट्यूब चैनल, डू चेक द वीडियोस, ओके। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस, अब वायरल मेनिंजाइटिस का कारण क्या है? ये एंसेफेलाइटिस पढ़ लिया हमने, अभी मेनिंजाइटिस के बारे में बात करते हैं। तो वायरल मेनिंजाइटिस एंटरो वायरस होता है, ठीक है, एंटरो वायरस। अब हो गया एंसेफेलाइटिस बात किया, ये बात किया हमने, ओके। अगेन HSV टाइप 2 इज अ कॉमन कॉज ऑफ एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ओके। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का कारण है आपका, दिस इज ऑक्वायरिंग सेक्सुअली, सेक्सुअली से ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। बाद में द इन्फेक्शन इज ट्रांसफर्ड, ओके। हावेवर एनसेफेलाइटिस फॉलोइंग HSV टाइप 2 हैज नॉट बीन मेंशनड, ओके। तो एनसेफेलाइटिस कभी नहीं होता है HSV टाइप 2 के कारण, बट मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस इज एन आरबो वायरस एंड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनसेफेलाइटिस आउटब्रेक। तो जापानीज बी या जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस इंडिया में इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, ओके। एंटेरो वायरस मोस्ट कॉमन एंटेरो वायरस होता है, ठीक है। तो कॉमन हो गया आरबो वायरस, दैट इज जापानीज बी, जापानीज बी इंडिया में होता है, अगर आपको पूछा इंडिया में। तो ऐसे अगर वायरल एनसेफेलाइटिस पूछा तो आप क्या बताओगे आंसर? व्हाट इज वायरल एनसेफेलाइटिस का क्या है कारण? एनीवन प्लीज टेल, इट HSV1। इज HSV1, ठीक है। फिर आपको वायरल मेनिंजाइटिस बोला तो क्या होगा? एंटरोवायरस। एंटेरो वायरस, ओके। तो ये हो गया आरबो वायरस, हो गया एंटेरो वायरस, हो गया HSV1, और मम्स के कारण भी कभी कभी होता है, बट लेस कॉमन, दिस आर मोस्ट कॉमन, ओके। लेस कॉमन आ गया आपका CMV। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMV? CMV साइटोमेगालो वायरस। साइटोमेगालो वायरस, ओके। इसमें एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हो जिससे हम साइटोमेगालो वायरस आइडेंटिफाई करते हैं? एनीवन कैन टेल मी? आप जो हॉजकिन लिम्फोमा में देखते हो क्या देखते हो? रीस्टनबर्ग। रीस्टनबर्ग, वो कैसा शेप होता है? आउल आउल आई। आउल आई। तो सिमिलरली इन साइटोमेगालो वायरस ऑल्सो वी फाइंड आउल आई इंक्लूशन, ओके। देर आर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स विच विल बी स्टडिंग लेटर, ओके। उसको डिफरेंस करना आउल आई और ये हॉजकिन वाला, दैट ऑल्सो कैन बी डिफरेंशिएटेड, ओके। तो EBV का फुल फॉर्म क्या है? एब्स्टेन-बार वायरस। एब्स्टेन-बार वायरस, ओके। तो दिस आर लेस कॉमन, ओके, और दिस इज नॉट ट्रेंड, इट शुड बी रेयर, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये सब के कारण भी होता है, ठीक है। तो निपा वायरस, निपा वायरस का नाम सुना होगा, इज द न्यू मेंबर ऑफ द पारामिक्सो वायरस फैमिली, ओके। तो मलेशिया में आपको
कुछ केसेस आया था एनसेफालाइटिस का, और उसका कारण था निपा वायरस, ओके। और इसमें 40% आपका मोर्टेलिटी रेट था, मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ डेथ, ओके। तो हर्पेस सिंप्लेक्स एनसेफालाइटिस, इसका इसका हाउ टू आइडेंटिफाई, इट हैज फोकल फाइंडिंग, ओके। फोकल फाइंडिंग का मतलब क्या है, फोकल फाइंडिंग का मतलब क्या है, ए फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट इज ए प्रॉब्लम विथ नर्व स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन फंक्शन, ओके। फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, नर्व पे होता है, इट मे बी इन द स्पाइनल कॉर्ड और इट मे बी इन द ब्रेन फंक्शन। इट अफेक्ट्स ए स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब फोकल मतलब स्पेसिफिक लोकेशन, सच एज द लेफ्ट साइड ऑफ द फेस, लेफ्ट साइड ऑफ द फेस हो सकता है, राइट आर्म हो सकता है, इवन ए स्मॉल एरिया सच एज द टंग। स्पीच विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, तो ये सारा भी फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स में आ सकता है आपको, ठीक है। तो हर्पेस सिंप्लेक्स एनसेफेलाइटिस होता है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक एनाटोमिक लोकेशन है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक एनाटोमिक लोकेशन है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक एनाटोमिक लोकेशन। सो इट जनरली अफेक्ट्स द टेम्पोरल लोब एंड आपका इंफीरियर फ्रंटल लोब, सो याद रखो टेम्पोरल लोब एंड इंफीरियर फ्रंटल लोब, ओके, दिस आर द लोकेशंस वेयर हर्पेस सिंप्लेक्स एनसेफेलाइटिस ऑक्वायर्स, ओके। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एचएसवी इन एनसेफेलाइटिस इज एसाइक्लोविर, ओके, एसाइक्लोविर तो सुना होगा। तो द वायरस पोटेंशियली प्रिफरेंशियली इन्वॉल्व द टेम्पोरल लोब्स एंड ऑफन द फ्रंटल लोब्स, ओके। इन मोस्ट कोसेस द इन्वॉल्वमेंट इज यूनिलैटरल बट कॉन्ट्रालेटरल इन्वॉल्वमेंट मे ऑल्सो बी सीन इन पेशेंट में प्रेजेंट विद एसिमेट्रिक बायोलेटरल टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट। तो जनरली क्या होता है, इट इज यूनिलेटरल बट इट कैन बी बायोलेटरल भी हो सकता है, ओके। हर्पेस एनसेफेलाइटिस ऑल्सो ऑफन हेमोरेजिक ऑल्दो नॉट ऑलवेज, कैरेक्टरिस्टिक न्यूरो एनाटोमिक पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज कैन हेल्प इन स्पेसिफिकली सजेस्टिंग द डायग्नोसिस ऑफ एचएसवी। तो ये जो एमआर स्कैन एमआरआई स्कैन है, एमआरआई स्कैन में हमको डायग्नोसिस करने में हेल्प कर सकता है कि दिस हर्पेस सिंप्लेक्स एनसेफेलाइटिस कहाँ पे होता है, आपका टेम्पोरल लोब, इफ यू सी समथिंग ऑन द टेम्पोरल लोब या इन्फीरियर फ्रंटल लोब्स एंड देन वी कैन, हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकता है कि दैट इज एनसेफेलाइटिस, ओके ओके। बट वी हाउ वी विल आइडेंटिफाई, एक्चुअल में कैसे, ब्लड कल्चर करेंगे हम, सीएसएफ देखेंगे, दिस आर द एक्चुअल मेथड्स बाय विच वी विल आइडेंटिफाई, एमआरआई तो बाद में करते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस आर डिफरेंट जो हर्पेस सिंप्लेक्स के कारण होता है और उसका ड्रग्स, ओके। हर्पेस सिंप्लेक्स एनसेफेलाइटिस में हम एसाइक्लोविर यूज करते हैं, नियोनेटल हर्पेस सिंप्लेक्स में हम एसाइक्लोविर यूज करते हैं, हर्पेस सिंप्लेक्स केराटाइटिस में हम ट्रीफ्लुरिडिन या विडा रैबिन यूज करते हैं, और हर्पेस सिंप्लेक्स ओरोलेबियलिस में पेंसी साइक्लोविर यूज करते हैं, ओके। सो नाउ वी विल गो टू फंगल मेनिंजाइटिस, ओके। तो फंगल मेनिंजाइटिस में एक्चुअली जनरली वी सी इट इन एच आई वी एफेक्टेड पेशेंट्स, ओके, एच आई वी एफेक्टेड पेशेंट्स। और इसका कारण क्या होता है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स, ओके। तो प्लीज रिमेंबर दिस, फंगल मेनिंजाइटिस का कारण होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन, और पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, लंग्स, ओके। लंग्स से ये ब्रेन में जाता है, फ्रॉम लंग्स इट गोज टू द ब्रेन। तो ये ट्रीटमेंट क्या होता है फंगल मेनिंजाइटिस का, एम्फोटेरिसिन बी हम आईवी देते हैं, उससे ट्रीटमेंट करते हैं, अदर ड्रग्स नहीं काम करता एम्फोटेरिसिन बी, बिकॉज इट इज ए सीवियर कंडीशन, राइट, फंगल मेनिंजाइटिस। तो इसके कारण हम एम्फोटेरिसिन बी यूज करते हैं, दैट इज इंट्रावेनस। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसका एक ट्राइड होता है, ट्राइड मतलब क्या, तीन चीज होता है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका मेनिंजाइटिस का, वो है आपको फीवर, हेडेक एंड न्यूकल रिजिडिटी, ओके। तो फीवर और हेडेक तो हमको पता है, पर न्यूकल रिजिडिटी क्या है, दिस इज अ न्यू टर्म फॉर अस, तो लेट्स सी व्हाट इज न्यूकल रिजिडिटी। न्यूकल रिजिडिटी सिंपली रिफर्स टू नेक स्टिफनेस, तो नेक का स्टिफनेस हो जाना, उसको हम न्यूकल रिजिडिटी बोलते हैं, ओके।
हम ये ट्राइड ट्राइड ओके आपको कोई पूछा एग्जाम में कि टेल मी द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस, तो आप नहीं बोलोगे नोजिया, इनकॉन्शियसनेस, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, आप पहले ये बोलोगे फीवर, हेडेक एंड न्यूकल रिजिडिटी, दैट इज द ट्रायड ओके। देन देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया भी हो सकता है। देन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर प्रेशर, पेपिलेडिमा, व्हाट इज पेपिलेडिमा, विल स्टडी, डायलेटेड पोरली रिएक्टिंग पीपिल, सिक्स नर्व पल्सी भी होता है, और डिकोर्टिकेट पोस्टरिंग, दैट ऑल्सो वी विल लर्न ओके। तो पेपिलेडिमा क्या होता है, इज द स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व एज इट एंटर्स द बैक ऑफ द आई ड्यू टू रेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो पेपिलेडिमा इज द स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व, स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। पेपिलेडिमा क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और क्यों होता है, ड्यू टू रेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है, आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, उसके कारण आपका क्या होता है, पेपिलेडिमा होता है। अब डिकोर्टिकेट पोस्टरिंग क्या है, डिकोर्टिकेट पोस्टरिंग ऑल्सो वी सी इन फंगल मेनिंजाइटिस, तो इट इज अ सीवियर साइन ऑफ सीवियर डैमेज टू द ब्रेन, इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री एबनॉर्मल पोस्टरिंग ऑफ ए पर्सन। तो पोस्टरल पोजिशन वो अलग होता है, एबनॉर्मल पोस्टरल पोजिशन ओके, एबनॉर्मल पोस्टरल पोजिशन, तो दिस इज साइंस ऑफ डिकोर्टिकेट पोस्टरिंग। देखो क्या होता है, क्लोज हैंड्स, यहाँ पे क्लोज हैंड्स है उसका, आर्म्स आर एडक्टेड एंड फ्लेक्स अगेंस्ट द चेस्ट, देखो आर्म्स चेस्ट की तरफ है, लेग्स आर इंटरनली रोटेटेड, देखो लेग्स जो है इंटरनली रोटेटेड है, एंड फीट टर्न इनवर्ड, जो फीट है वो इनवर्ड टर्न हुआ है, तो इसको डिकोर्टिकेट पोस्टरिंग बोलते हैं हम, ठीक है। नाउ अभी चौथा साइन क्या है, ये तो तीन साइन पढ़े हमने, फीवर वगैरह, फिर ट्राइड ट्राइड, फिर कॉन्शियसनेस, फिर रेस इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अभी चौथा क्या है, पेटेकी, वी सी पेटेकी ओके, पेटेकी देखते हैं, जो स्पॉट्स होता है ना, स्पॉट्स होता है, स्पॉट्स ऑन द स्किन, तो पेटेकी देखते हैं। और पेटेकी के पेटेकी व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाई नेसेरिया मेनिंजाइटिस दिस ओके। तो हेडेक, फीवर प्लस माइनस न्यूक्लियर रिजिडिटी हो सकता है, फिर हमको चेक करना चाहिए, अगर हेडेक है, फीवर है, न्यूक्लियर रिजिडिटी है, तो हमको चेक करना चाहिए इज द पेशेंट हैज अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, क्योंकि अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होने से इवन दो ही हैव हेडेक, फीवर एंड न्यूक्लियर रिजिडिटी, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा तो डायग्नोसिस में भी डिफरेंट, और अगर नहीं हुआ देन वी कैन गो फॉर मेनिंजाइटिस ओके। तो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देन इट इज यस ओके, तो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस इट इज यस। तो अगर अगर मेंटल स्टेटस अल्टर्ड है तो क्या इट कैन बी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या आ सकता है, एक्यूट डिसेमिनेटेड एनसेफेलोमायलाइटिस। प्लीज रिमेंबर द नेम, नॉट सो मच नीडेड, इफ यू स्टडी न्यूरोलॉजी देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू नो, आपको हमारे BDS लेवल में, इवन MDS लेवल दे डोंट नीड दिस ओके। आपको मे बी यू आर ए न्यूरोलॉजिस्ट देन यू विल नीड डेफिनेटली दिस, अदरवाइज इज नॉट मच रिक्वायर्ड, जस्ट नाम याद रखने से हो जाएगा, ठीक है। इसको एडेम भी बोलते हैं, फिर मेनिंजो एनसेफेलाइटिस भी हो सकता है, एनसेफेलोपैथी भी हो सकता है, और मास्लेशन, CNS मास्लेशन, विल स्टडी व्हाट इज CNS मास्लेशन ओके। तो अगर अल्टर मेंटल स्टेटस नहीं है, अभी सोचो वो पेशेंट में कोई मेंटल स्टेटस अल्टर्ड नहीं है, नो, देन इसका कारण मेनिंजाइटिस हो सकता है, देन यू चेक फॉर पेपिलेडिमा ओके। फिर पेपिलेडिमा चेक फॉर फोकल न्यूरल डेफिसिट, और देखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीज है क्या, क्योंकि उसका कारण HIV एड्स भी हो सकता है ना। चेक फॉर हेट्रोमा, हेट्रोमा के कारण भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, कैंसर के कारण भी हो सकता है, साइनसाइटिस भी के कारण भी हो सकता है मेनिंजाइटिस। सो इफ आंसर टू एनीवन इज यस, देन क्या करना है, आंसर हो गया यस, तो हमको ब्लड कल्चर लेना है सबसे पहले ओके। ब्लड कल्चर लेना है, फिर हम क्या कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं, और फिर लंबर पंक्चर, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक, पढ़ रहे थे ना फार्माकोलॉजी में, तो लंबर पंक्चर कहाँ पे करते हैं, मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस करने में करते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया आपका अल्टर्ड मेंटल स्टेटस ओके, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, तो इसमें भी सेम है, ऑप्टेन ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर मिलते ही स्टार्ट एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स, वी स्टार्ट एंटीबायोटिक्स इमिडिएटली ओके, देन इमेजिंग इज डन एंड लंबर पंक्चर इज ऑल्सो डन ओके। सो व्हाट इज ब्रेन मास्लेशन, CNS मास्लेशन बोला था ना, अरे ब्रॉड कलेक्शन ऑफ पैथोलॉजिक
न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट इन चेंजेस ऑन ब्रेन इमेजिंग. ब्रेन इमेजिंग करते हैं हम ना, तो बहुत सारा हमको ब्रॉड कलेक्शन ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस दिखाई देता है. ठीक है, दे आर वेरी डिस्परेट ग्रुप ऑफ कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम इन्फेक्शन भी हो सकता है, एब्सेस भी हो सकता है, दैट इज ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, या और अदर चीजें भी हो सकता है. तो दैट इज ब्रेन मसलेशन. अरे ब्रॉड कलेक्शन ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट इन चेंजेस ऑन ब्रेन इमेजिंग. हम सीटी या एमआरआई करते हैं, उसमें जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस आपको ब्रेन इमेजिंग में चेंजेस लाते हैं उसको ब्रेन मसलेशन बोलते हैं. ओके, देन बैक्टीरियल जो मेनिंजाइटिस है तो हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे? CSF, इसका इंक्रीज ओपनिंग प्रेशर, ओपनिंग प्रेशर क्या है वो भी पढ़ेंगे. CSF में क्या होता है, CSF हमने ब्लड कल्चर किया, CSF का कल्चर किया, CSF डायग्नोसिस किया, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ओपनिंग प्रेशर इज इंक्रीज. ओके, फिर प्रेशर कितना होता है, मोर देन 180 mm ऑफ वाटर. ओके, फिर इंक्रीज पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स का इंक्रीज होता है, मे बी मोर देन 1000 भी होता है, 1000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर. और डिक्रीज CSF शुगर, ये CSF शुगर डिक्रीज वेरी लो होता है. क्यों होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो शुगर को खा लेता है. ठीक है, इट ईट्स द शुगर. जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है उसमें शुगर लो नहीं होता है. ओके, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज नॉर्मल ओनली. ओके, इन वायरल. ओके, क्योंकि जो वायरस है वो शुगर नहीं खा सकता है, बट बैक्टीरिया इट टेक्स अप द शुगर एंड दैट्स व्हाई द देयर इज डिक्रीज CSF शुगर, इट बिकम्स वेरी लो. ओके, सो व्हाट डिटरमिन्स द ओपनिंग प्रेशर, ओपनिंग प्रेशर क्या है, द ओपनिंग प्रेशर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज ऑफ CSF. तो प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज, प्रोडक्शन और ड्रेनेज ऑफ CSF पे आपका क्या है, ओपनिंग प्रेशर डिपेंडेंट है. ओके, तो यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कहाँ से कहाँ CSF जाता है, थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल में, ऑल दोस थिंग्स आर गिवन. पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज ऑफ CSF के कारण आपका दैट इज द थिंग व्हिच डिटरमाइंस द ओपनिंग प्रेशर. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर क्लास टुडे, वेरी शॉर्ट क्लास.